मंचूरियन बनाएंगे, क्योंकि रोज रोज क्या बनाए क्या बनाए वो टेंशन में, बहुत कम तेल में गोभी का मंचूरियन बहुत टेस्टी बनता है। चलिए बनाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम झुमकी बनर्जी है। आइए बनाते हैं गोभी का मंचूरियन। यह है गोभी, ये फूल गोभी, इसी को हमने थोड़ा बहुत काटे हैं। इतना बड़ा बड़ा पीस में काटना पड़ेगा, ना बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज में गोभी को काट लीजिए। उसमें कुछ चीज़ ऐड करना पड़ता है, जैसे ये रेड चिली मसाला, कश्मीरी रेड चिली मसाला कलर के लिए, बस और कुछ नहीं। ये हो गया, और थोड़ा से लाल मिर्च, इसी समय मिर्चा, लाल मिर्च आप दे सकते हैं, ठीक, कम ज़्यादा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। और थोड़ा से नमक, कि उसमें मंचूरियन मसाला में जो है ऑलरेडी नमक रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा से हल्का से नमक देना पड़ेगा, आधा चम्मच ही हमने दिए। और ये लहसुन की पाउडर है, आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और ये है कॉर्नफ्लावर, ये मुझे बताया गया था दिखा दीजिएगा, इसीलिए हमने दिखा दिया। इसी का पाउडर हम देंगे, हल्का से, ज़्यादा नहीं, ये लगभग 4 चम्मच, थोड़ा से कोटिंग के लिए। या तो ये नहीं रहे तो चावल का आटा भी आप दे सकते हैं, बेसन नहीं, और चावल का आटा नहीं रहे तो मैदा दे सकते हैं, ये चीज़ दे सकते हैं, तीन। बस इसको थोड़ा से लगा लेंगे, अगर जिसको खट्टा पसंद है, इसी समय तो एक नींबू का, आधा नींबू का रस निचोड़ के रख दीजिए, 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, बस हो जाएगा। अब इसको फ्राई करेंगे, सेल्फ फ्राई। अब तेल देंगे, मैं सरसों का तेल लिए, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं, मूंगफली ऑयल भी ले सकते हैं, तिल का ऑयल भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें सफ़ेद तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो सरसों के तेल ही बोलेंगे, देख अच्छा होता है। और ये जब तक गर्म होता है, ये सरसों का तेल पूरा गर्म हो जाए उसके बाद दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम भूल गए बोलने, जब आप इसमें पानी मत दीजिएगा, क्योंकि नमक देने से गोभी पानी छोड़ता है, उसी में हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पानी देना ज़रूरत नहीं है। ग्रेवी के लिए हमने एक प्याज को चॉप कर लिया, और एक आधा प्याज को हम इसी तरह डाइस काट लिया, आधा प्याज काटे, और 3-4 हरी मिर्च, क्योंकि इस समय और लाल मिर्च देंगे नहीं। अब इसको इसको घोल लेंगे पानी में। ये है चिंग्स का भी चाय मसाला ले सकते हैं, इस समय मेरे पास ये है तो इसी को करेंगे। अब वास्तव मानिए, कम तेल में इतना टेस्टी बनता है चाइनीज। अभी तेल गरम नहीं हुआ, कड़वा तेल अच्छा से थोड़ा से मीडियम कर देंगे आँच को। अब ये गोभी को एक एक करके छोड़ेंगे, हो गया फ्राई। अब इसको निकाल लेंगे,
ये चिमटी से निकालने से होता है कि अब तेल एकदम छान के उठता है, एकदम तेल निकल जाता है। अब बाकी जो बचा तेल है उसको रख देंगे, फिर कभी फिर दूसरा सब्जी में यूज़ हो जाएगा, इसमें तेल कम लगा एकदम। अगर हम एकदम पकोड़ा जैसे बनाते तो इसमें पूरा डीप फ्राई करना पड़ता है आपको। आज मैं जलने का मूड में है, कभी तेल छिटकता है कभी कुछ छिटक रहा है। अब ये इतना तेल बचा, इसको हम निकाल लेंगे। हो गया तेल बचत कम तेल में, देखिए हो गया। अब ये, अब इसमें कोई आपको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक प्याज को बारीक सा काट लेते हैं, काट लिए उसमें इसको डाल देंगे। और इसको हल्का से नमक देंगे जो कि प्याज जल्दी से पक जाए, इतना ही नमक देंगे, एकदम हल्का से नमक, एकदम थोड़ा से नमक दिए, 2 पिंच नमक दिए। ऑलरेडी चिंग्स मसाले पे नमक है इसलिए हमको नमक देने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसको पकाने के लिए हमने दिया। और इसी समय हरी मिर्च डाल देंगे, मिर्च अपना टेस्ट हिसाब से दे सकते हैं कम ज़्यादा। हम लोग के घर में थोड़े से हरी मिर्च की तीखीपन अच्छा लगता है तो दे दी हमने ज़्यादा थोड़ा से, अब कम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ढक के 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे प्याज ताकि फ्राई हो जाए। और देखिए प्याज पक गया, गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसी में ये जो चिंग्स मसाले हैं, मंचूरियन मसाला है, ये 2 बार आप बना सकते हैं ये पैकेट में, इसीलिए हमने 3 चम्मच मसाला लिया। अब इसको पानी में घोल लेंगे। विश्वास मानिए दोस्त, इतना इतना इजी और इतना टेस्टी। आप मंचूरियन बॉल बनाएंगे तो उसमें डीप फ्राई करना पड़ेगा, बंदा गोभी से जो बनता है उसमें डीप फ्राई करना पड़ता है, इसमें आपको डीप फ्राई करने का ज़रूरत भी नहीं है, और तेल भी कम और टेस्ट में सुपर एकदम। इसके साथ रोटी पराठा नान मिश्री रोटी बहुत टेस्ट लग, बहुत अच्छा लगता खाने में। रोज़ रोज़ एक जैसे खाना खाने में उब जाओ तो ये बना लो। बस अब इसको इसमें डाल देंगे और कुछ नहीं करना है। इस बस हो गया, इसमें जो हम फ्राई करके गोभी रखे थे वो डाल देंगे। तेल पानी छूट गया इसको फ्रेंड्स, क्योंकि हम डीप फ्राई तो नहीं किए थे ना, तो इसको थोड़ा से हम भाप पका लेंगे ढक के, विदिन 5 मिनट बस पकाएंगे ढक के स्लो आंच में। देखिए बन गया, और थोड़ा से इस तरह से रखने से क्या होता है, तेल ऊपर आ जाता है। अब ये जो प्याज हमने डाइस आकार में काटे थे, आधा प्याज इसी में डाल देंगे, जो पकेगा नहीं मुंह में जाएगा तो कच कच करेगा, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। बस इस समय गैस को करेंगे बंद, इसको इसको निकाल देंगे। मात्र 5 मिनट में कहाँ बनेगा बताइए, इतना टेस्टी खाना। ये गोभी मंचूरियन रेडी, तेल कम तेल में टेस्टी रेसिपी, घर में बनाइए खाइए, और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।